इस वीडियो में हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको कितने टाइप की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। अब जैसे हमको पता है कि नॉर्मली हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि सब कार्बन के स्ट्रक्चर्स होंगे, तो इन कार्बन के स्ट्रक्चर्स को भी देखो हम इतने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सोहर्स, न्यूमैन, प्रोजेक्शन, फिर वेज डैश है, फिर इलेक्ट्रॉनिक या डॉट क्रॉस मॉडल है, फिर बॉल स्टिक मॉडल है, फिर लीनियर या चेन। तो मैं आगे इस वीडियो में हर एक स्ट्रक्चर को बताऊंगा कि इन स्ट्रक्चर को कैसे बनाए जाते हैं या फिर हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंस कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और किस वे में इनकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मैंने 3D केमिस्ट्री को भी, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री को भी इन्वॉल्व कर लिया है। तो मतलब हमारे 11th और 12th पोर्शन में अगर मैं बोलूँ तो हमको इतने काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं लॉजिकली, ठीक है। तो सौ हॉर्स, न्यूमैन या फिशर या वेजडेस जो है ये 3D स्ट्रक्चर हैं, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह शो करने के लिए यूज़ में आते हैं। बट बाकी के जो स्ट्रक्चर हैं ये कॉमन स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। इनका कहीं कहीं पे यूज़ होता है और ये सारे हमको बुक में देखने को नहीं मिलते हैं, बट इतने काइंड से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ये 9th-10th में ऐसे एक्सप्लेन, मतलब बुक्स वगैरह में दिया होता है। तो जैसे अगर इथेन का मॉलिक्यूल है तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। बॉल स्टिक मॉडल है तो जैसे मान लो CH4 है हमारे पास, तो देखो कार्बन को स्फेरिकल शेप में, हाइड्रोजन को, ये जो मैंने स्टिक से रिप्रेजेंट किया ये बॉन्ड्स है, और जो बॉल से रिप्रेजेंट किया स्फेरिकल शेप में ये हमारे क्या हैं, एटम्स हैं। तो इस मॉडल को बेसिकली हम लोग बॉल एंड स्टिक मॉडल बोलते हैं, बट ये बड़े कंपाउंड्स के लिए हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं, कहीं कहीं पे इसका यूज़ हुआ होता है खाली रिप्रेजेंटेशन के लिए छोटे मोटे कंपाउंड के। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर, या इनको चेन स्ट्रक्चर भी हम लोग बोलते हैं। तो देखो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर बुक्स में दिया होता है या जिसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट अगर मैं साइक्लिक की बात करूँ तो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने देखे हुए हैं ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं। इनके कॉर्नर्स पे कार्बन होते हैं और जो चीज़ें नहीं दी हुई हैं वहाँ पे दो दो हाइड्रोजन ऐसे प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट की बात हम लोग करें तो बॉन्ड लाइन फार्मूला अगेन एक टाइप का चेन स्ट्रक्चर ही है, बट इसका रिप्रेजेंटेशन हमको ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड क्या होता है, एक बड़ी चेन को अगर कंडेंस कर दूँ, तो देखो इस चेन में स्टार्टिंग में CH3 और एंडिंग में CH3, बीच में CH2 फोर टाइम्स है, तो मैंने उसको कंप्रेस करके छोटा सा लिख दिया है, तो इसको हम लोग कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग न्यूमैन की बात करें तो ये न्यूमैन का प्रोजेक्शन होता है। ये देखो पहला कार्बन डॉट से रिप्रेजेंट किया है और पीछे वाला कार्बन सर्कल से, और दोनों कार्बन पे हमारे पास क्या है, तीन तीन हाइड्रोजन है, तो आगे भी तीन हाइड्रोजन और पीछे भी। नेक्स्ट देखो सोहर्स प्रोजेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो दो कार्बन का जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो हम लोग ने आगे वाला कार्बन डॉट से रिप्रेजेंट किया है, पीछे वाला भी डॉट से रिप्रेजेंट किया, पहले पे भी तीन हाइड्रोजन है, दूसरे पे भी। इससे हम लोग ब्यूटेन्स वगैरह के भी स्ट्रक्चर, मतलब कितने भी लेंथी स्ट्रक्चर हों हम लोग बना सकते हैं। तो किसी दो कार्बन को मतलब मेजर ये ले लो सेंटर में, उसके बाद देखो ये फर्स्ट वाले पे कितने हाइड्रोजन अटैच है, दो, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। पीछे वाले और इस पे एक ग्रुप पूरा कौन सा है, CH3, तो इसको CH3 को ऐसे बना देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पीछे वाले कार्बन पे भी क्या अटैच है, दो का हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन, और एक ओवरऑल कौन सा ग्रुप है हमारे पास, CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा। नेक्स्ट फिशर प्रोजेक्शन की बात करें तो ये एक्चुअली ग्लूकोज वगैरह के स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने में यूज़ होता है। अब जैसे देखो दो कार्बन है, तो दो कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया और उनके ऊपर तीन तीन हाइड्रोजन है, इससे हम ब्यूटेन वगैरह के भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे अब चार कार्बन है तो चार कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, इनको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे। फर्स्ट वाले कार्बन पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, तीन है, तो यहाँ पर तीन हाइड्रोजन। अगेन सेकेंड पे फिर से दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, फिर नीचे हमारे पास अगेन दो हाइड्रोजन है, तो दो, और लास्ट में कितने, वापस से तीन हाइड्रोजन है, तो तीन हाइड्रोजन हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे।
नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वेज डैश। अब देखो वेज डैश जो फार्मूला होता है ये काफ़ी मतलब एक्चुअली जैसे हम लोग कार्बन को ड्रॉ करते हैं वैसे नहीं बनता ये। अब सपोज़ करो इसमें दो पार्ट होते हैं अलग अलग, वेज के अलग और डैश के अलग, ठीक है। तो कोई भी कार्बन अगर हम लोग उसको देखें तो उसके दो बॉन्ड जो होते हैं वो प्लेनर होते हैं, तीसरा बॉन्ड अबव द प्लेन होता है और चौथा बॉन्ड बिलो द प्लेन होता है। तो हम लोग इस बीच वाले कार्बन को अगर मैं प्लेन पे ले लेता हूँ तो उसके दोनों हाइड्रोजन देखो प्लेन पे हैं और ऊपर वाला CH3 अबव द प्लेन है और नीचे वाला बिलो द प्लेन है। तो ये जो मतलब जो डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया है इसी को हम लोग बोलते हैं डैश, और ये जो सॉलिड लाइन से ड्रॉ किया हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं वेज। तो ये जो है इसी को वेज बोलते हैं, और वेज क्या रिप्रेजेंट करता है इसको हम लोग बोलेंगे वेज, और ये रिप्रेजेंट करता है अबव द प्लेन। मतलब कोई कंपाउंड अगर प्लेन के ऊपर की तरफ है तो उसको हम लोग ऐसे वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ऑन द प्लेन, मतलब कि ये दोनों जो ग्रुप हैं ये ऑन द प्लेन है, और ये जो होता है ये होता है हमारे पास डैश, और डैश रिप्रेजेंट करता है बिलो द प्लेन एटम या मॉलिक्यूल।